गाइस, हम लोग हैं काशी में और आज हम जाने वाले हैं चोपटा और तुंगनाथ। तो वहाँ की सारी ट्रैकिंग आपको दिखाने वाले हैं और बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। तो आप इस पूरी जर्नी में हमारे साथ बने रहना। हेलो गाइस, ये हमारे साथ हैं मयंक, अपकमिंग लॉयर और इनका खुद का भी चैनल है। किस नाम से है? मे व्लॉग्स। मे व्लॉग्स, अच्छा। तो अभी आप यहाँ कहाँ पे आए हो? अभी हम गुप्तकाशी, हम केदारनाथ की यात्रा भैया से आज हमें चोपटा भी जाना है, तुम हाँ और सुपर चंद्रशिला। और अगर लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूँ कि चंद्रशिला की क्या कहानी है। चंद्रशिला में लॉर्ड राम ने रावण को डिफीट मारने के बाद वहाँ पे तपस्या की थी। बढ़िया 360 व्यू आता है पहाड़ों का। और जो तुंगनाथ की कहानी है वो लड़की को बताए वो बताएगी। लड़की, ये दूसरी लड़की, ये दूसरी लड़की है, इसको बहुत सारी कहानियाँ पता है, बताइए। केदारनाथ की? हाँ, केदारनाथ मंदिर जो है वो बेसिकली पांडवों ने बनाया था, जो कि जब महाभारत का युद्ध, वो लड़के आए थे अपने भाइयों से अगेंस्ट, सो उनको पाप था कि उन्होंने अपने भाइयों को मारा था। तो उस पाप से मतलब मुक्ति पाने के लिए उन लोगों ने कहा था कि वो शिव जी से माफी मांगना चाहते हैं। तो वो लोग पहले कैलाश गए थे, बट वहाँ से शिव जी चले गए थे क्योंकि शिव जी उनसे बहुत गुस्सा थे और वो उनको नहीं दर्शन देना चाहते थे। अच्छा, तो वो जाके केदारनाथ में मतलब रुक गए थे। बट वो लोग पांडव लोग जो थे वो वहाँ भी पहुँच गए थे, तो जिसकी वजह से फिर शिव जी को बैल का रूप लेना पड़ा। वहाँ पे जो है बैल का एक झुंड जा रहा था, तो उनको ये था कि ये लोग मुझे नहीं पहचानेंगे। सो उसमें जो 5 पांडव थे उन लोगों ने फिर अपना वो लगाया दिमाग, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि बैल का जो झुंड था वो उसके साथ निकल रहे थे शिव जी। तो जो भीम था उन्होंने पहचान लिया था शिव जी को, उनके पास जो पावर्स थी उसके थ्रू। तो उन्होंने क्या किया, जो 2 पर्वत के बीच में से बैल निकल रहे थे उन्होंने दोनों पर्वत पे पैर रख लिया था। अच्छा, उन्हें पता था शिव जी हैं वो किसी के पैर के नीचे से तो जाएंगे नहीं, तो जितने बैल थे वो तो निकल गए, जो शिव जी थे वो बैल के रूप में वो नहीं निकल पाए। तो जैसे ही वो निकलने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने उनकी पूंछ पकड़ के उनको रोक लिया था, जिसकी वजह से जो शिव जी हैं मतलब बैल रूप में आधे धरती में निकल गए थे, मतलब समा गए थे, ऊपर का जो कुंभद पार्ट होता है वो रह गया था। अच्छा, तो जैसे ही भीम ने उनका पूंछ पकड़ी तो बस उतना हिस्सा उनका रह गया। तो वो जो कुंभद वाला पार्ट है वो केदारनाथ के रूप में है और बाकी जो बॉडी है जो बैल की वो 5 हिस्सों में डिवाइडेड है, जो कि पंच केदार कहलाते हैं। तुंगनाथ उनमें से एक है जहाँ पे शिव जी के हाथ गिरे थे, यानी कि बैल रूप के हाथ गिरे। अच्छा, That's really interesting. Thank you. ये वीडियो है क्या? भाई तो ऐसा लग रहा है फॉरेन देश से। जैसे हमारे स्मार्ट ट्रेवलर, फ्यूचर स्मार्ट। और आज हम कहाँ जाने वाले हैं बता दीजिए। अरे बताओ ना। आज आज की वो आइटनरी, आज हम चोप यहाँ से पहले जाएंगे चोपटा, और चोपटा से हमारा ट्रैक होगा जो कि आपका हाईएस्ट शिवा तुंगनाथ जी का टेंपल है, शिव जी का टेंपल है, और उससे फर्दर 1 किलोमीटर आपका चंद्रशिला है। तो आप वहाँ पर ट्रैक करके और हम वापस 6-7 बजे तक ट्रैक डाउन करेंगे और उसके बाद हम अपना दिल्ली के लिए डिपार्ट करेंगे। भैया हमें तो बहुत मजा आया, लेकिन ये आज आखिरी डे हमारे ट्रिप का। ये जो हमें ये ग्रुप मिला है ये हमेशा याद रहेगा। ये भैया गाइस देखिए, ये हमारा टेम्पो ट्रेवलर, ये हमारे भैया जी ड्राइवर वाले, और हम आए हैं चोपटा। ये देखिए खूबसूरत सा, और यहाँ से ट्रैकिंग है तुंगनाथ की है 4 किलोमीटर और चंद्रशिला की है 6। तो अभी हम तुंगनाथ तक चल के देखते हैं और आगे का आपको दिखाते हैं। गाइस यहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू हो रही है, ये लोग जो ट्रैकिंग करके आ रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं हमारा बैच, देखते हैं हम कितनी देर में ये तुंगनाथ की ट्रैकिंग पूरी करते हैं। जय भोलेनाथ। ये है चोपटा के प्राइस, देखिए ऊपर और नीचे आने के, और जो चढ़ाई है काफ़ी
खड़ी है, ये देखो स्टार्टिंग हो रही है, खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल, और अराउंड 4 to 5 किलोमीटर है। सो लेट्स स्टार्ट। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देखिए गाइस, ये है तुंगनाथ की ट्रैकिंग। वी आर रियली एक्साइटेड। यहाँ पे मौसम ऐसे बदल रहा है, एक पल में धूप, एक पल में ठंडे के। अभी मैंने जैकेट उतार दी है, ये देखो नेक्स्ट मोमेंट में पहन लूंगी। यस, बट अच्छा लग रहा है। हाँ, चढ़ाई देखो कैसे खड़ी सी है, बिल्कुल बढ़िया वाली, मजेदार व्यू ऊपर से दिखाएंगे, यहाँ से दिख नहीं रहा अभी। हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया, ये है तुंगनाथ का ट्रैक, जो कि खड़ा भी है, थोड़ा ईज भी है, सही हो जाएगा, चिंता मत करना। हम जब से डे वन से हमारा ना ट्रैक चल रहा है, वहाँ लंका लगी है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हम भोले के दीवाने हैं, हम भोले से मिलके जाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम द तुंगनाथ, रियली बहुत प्यारा है। ट्रैकिंग का भी अलग ही मजा है। हाँ जी दीपिका, कैसा हो रहा है? मेरे तो बोला नहीं जा रहा, कहीं ना कहीं ना डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम हो गई है। आप ध्यान रखना, थोड़ा पानी वानी जरूर पीते रहो कंटिन्यूस में, हर मतलब मेरे ख्याल से तो, मेरे हिसाब से तो ना हर आधे घंटे में थोड़ा पानी पीना चाहिए। बट सच ए ब्यूटीफुल व्यू है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। सबकी भली करे, सब मजे में। जय बोले बाबा। इतना प्यारा नजारा, ये एक तुंगनाथ का 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर चलने के बाद ये आपका पॉइंट आ जाएगा। बहुत सुंदर नजारा है, यहाँ से एक पिक्चर है, 1300 सामान जाना हो जाएगा। और ये एक पॉइंट मिलेगा आपको खाने पीने के लिए फर्स्ट, इसके बाद देखते आगे कौन सा मिलेगा। तो मुझे ये पहुँच गई उधर, हे भगवान, ये वहाँ जा रही है फोटो खिंचाने, सही में। चलो जय बोले बाबा, सबके सब मस्त है भाई, बहुत बढ़िया। देखिए तुंगनाथ कैसा है की ट्रैकिंग का, ये बेसिकली फर्स्ट पॉइंट ऐसा आया है, लेकिन ये पॉइंट देखिए कितना ब्यूटीफुल है, मतलब इतना रिलैक्सिंग, कांट डिस्क्राइब इट। और ये मतलब बोला जाता है कि लाइक जैसे अभी आप इस टाइम पे आ रहे हैं, जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है, तो यहाँ का मौसम और भी बढ़िया हो रहा है, मस्त मौसम है। तो आइए, ठंडा है, ऐसा ऐसी बात नहीं कि ठंडा ही नहीं है। आए है, है। देखिए भाई गजब नजारा है सच में, तुंगनाथ एक बार तो विजिट करना चाहिए, बहुत प्यारा नजारा लग रहा है। मतलब मैंने देखा जितने भी कितनी बार मैंने पहाड़ पे विजिट किया है, हमेशा ना अलग ही नजारा दिखते हैं, अलग ही बात होती है उनके जगह की। सब कहते हैं पहाड़ों में सेम रहता, ना भाई सेम नहीं है, हर एक का अपना अपना पॉइंट है। जैसे तुंगनाथ का देखो ये फर्स्ट पॉइंट है, आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें। बाकी देखो ये ट्रैकिंग चल रही है सामने, ट्रैकिंग भी होले होले करोगे तो हो जाएगी, प्यार से होगी। वो देखो ऊपर तक जा रहे हैं, जय बाबा भोलेनाथ। हेलो गाइस, हम लोग तुंगनाथ की ट्रैकिंग स्टार्ट कर चुके हैं, और जो खूबसूरत नजारे देखने को मिल रहे हैं वो एकदम अमेजिंग है गाइज। यू मस्ट विजिट तुंगनाथ वंस इन अ लाइफ टाइम, दिस इज रियली आउटस्टैंडिंग एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड ब्यूटीफुल टू लाइक मी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बस पीछे मत गिरना। तुंगनाथ ट्रैक देखिए भाई, ब्यूटीफुल व्यू, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल हियर, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है भाई, मजे
मजे मजे मजे सुपर मजे। चलो चढ़ाई पे चढ़ते हैं। कैसा लगा भाई? मयंक भाई को कैसा लगा? चल चल के यार, ये भी हमारे यूट्यूबर है। चढ़ जाएंगे सब कर लेंगे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम है तुंगनाथ, जो कि है बहुत ही प्यारा। देखो गाइस कितना ब्यूटीफुल है ये। देखो ट्रैकिंग एरिया एंड व्यू एरिया, जो कि बहुत ही प्यारा है, सारी थकान निकाल देता है बिल्कुल। हमारा ट्रैकिंग डे 4। जय भोलेनाथ, हर महादेव, हर 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 हर महादेव। वो देखिए सामने ये जो झोपड़ी टाइप है की पीछे टेम्पल है, जस्ट अबाउट टू रीच। महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, अरे हर हर महादेव, हर हर महादेव, कहाँ है महादेव, हर हर महादेव, कहाँ है महादेव, हर हर महादेव। और भैया कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, आपके बताओ? फुल पावर, फुल पावर, फुल पावर। कैसा लग रहा है अभी तक? तो ठीक लग रहा है। आपने केदारनाथ लग नहीं रहा था ना, तुमने धो पाएगा? नहीं जमा भी नहीं। सच में रात में सबने जवाब दे दिया था, हम 1 बजे गाड़ी में बैठे थे। तो पहले ही बोल रहे थे नहीं। 2-3 बजे होटल में पहुंचे, सबने कहा कैंसिल कैंसिल। लेकिन सारे के सारे आए, सिर्फ 2 को छोड़ के, बाकी सभी आ गए, मानना पड़ेगा। सारी आ गए और सबने दर्शन करे भगवान जी के, और यहाँ भी करेंगे। चढ़ाई तो दिखाओ। अरे बड़ी मस्त चढ़ाई है, मजेदार चढ़ाई है, सब हो जाएगा। ऐसे मत बोला करो खड़ी चढ़ाई है, ऐसी चढ़ाई है, सब हो जाता है, सब बाबा जी करा देते है ना। यस, और हर हर महादेव। वहाँ से बाबा जी करा दे, बाबा जी ने मेरे लिए भेजा वो है। अच्छा, हमारे को यहाँ पे करा देते हैं, जल्दी दर्शन करा दिए। मैंने करा दी सुख दर्शन, नहीं तो हम बहुत लेट हो जाते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो जल्दी, मंजिल अब दूर नहीं, बोले बाबा भी दूर नहीं। हर हर महादेव, और हम पहुंच गए हैं तुंगनाथ। हर हर महादेव, फाइनली रीच्ड तुंगनाथ टेंपल। हर हर महादेव, हर हर महादेव। फाइनली गाइस, आ चुका है तुंगनाथ टेंपल आफ्टर 3 किलोमीटर्स ऑफ ट्रैकिंग। तो चलिए अंदर चलते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत ही प्यारा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं तुंगनाथ के, इतनी चढ़ाई करने के बाद। वैसे हमने जब केदारनाथ की चढ़ाई कर ली तो तुंगनाथ तो हो ही जाएंगी, बाबा जी बुला लेंगे, सब कुछ करा लेंगे। बता दूं मैं गाइस, ट्रैक फोर हमारा। हाँ, तो अभी हम थोड़ा यहाँ पे बैठ के थोड़ा, सब कहते हैं ना तुंगनाथ की घड़ी चढ़ाई है, नहीं चढ़ने का, सब हो जाएगा, सब बता दूं। इजी, आप धीरे धीरे रिलैक्स करके आ रहे, बिल्कुल स्मूथली आओ। अभी कर लेते हैं सब बड़े बड़े। अभी हम वापस से, हमारा ट्रिप खत्म हो रहा है गाइस, हम जाएंगे अब वापस दिल्ली। सब लोग बहुत अच्छे आ गए, हमारे ग्रुप में जो भी थे वो सब बहुत बढ़िया लोग थे, बहुत मजा आया इस ट्रिप। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर महादेव, हर महादेव,
हर हर महादेव तुंगनाथ टेम्पल कहते हैं सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट पे है। भाई जाइए इधर, ट्रैकिंग आज आप हो जाएगी, आसान है, ज्यादा दूर नहीं है, 5 किलोमीटर ओनली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भरमनाथ। जय भोलेनाथ, जय भोले बाबा। गाइस देखिए, ये है तुंगनाथ का सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट। गाइस लिटरली इट्स सो स्केरी, बहुत ज्यादा गहरा लग रहा है खाई, बहुत ये बहुत हाईएस्ट है। और ऊपर चंद्रशिला भी है, हमारे कुछ दोस्त गए हैं हमारे, तो अब हमने बहुत ट्रैक कर लिया, अब हम थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, अब हम कुछ खाएंगे पिएंगे और ये व्यू पॉइंट एंजॉय करेंगे। गाइस गाइस देखिए, ये है हाईएस्ट पीक, मैं आपको नीचे से दिखा भी नहीं सकती, मुझे इतना डर लग रहा है। ये बहुत खूबसूरत है, वर्थ इट है। देखिए यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होती है, देखिए लोग कर रहे हैं। Wow. Very nice experience. Can't describe in words. Amazing. Har har Mahadev. अभी 1 2 3 बोल, काउंट कर। 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 चलो चलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या बात भाई, सनसेट देखेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहीं दूर पहाड़ों में खो गए, तुमसे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। क्या बात, हर हर शंभो, हर हर शंभो। बोले की मस्ती से बम बम देखो, बोले के भक्तों को देखो, बोलो नाचो। घोड़े 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 की परवाह कर लो, ठीक है। चैनल ओनर्स,
घुमत्तू का ओनर्स नाचो अपने व्लॉग में।